बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपका होस्ट हसन तैमूर और आप लोग देख रहे हैं हसन तैमूर यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल हसन तैमूर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अपने मोबाइल का इंटरनेट जो है उसको कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कैसे शेयर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं विद केबल और विद वाईफाई यानी हॉटस्पॉट के साथ जो है आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आपने अपने आईफोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है और ये देखें, मैंने सेटिंग को ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है पर्सनल हॉटस्पॉट, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा ही है, पर्सनल हॉटस्पॉट। तो मैं इसके ऊपर टच करता हूं तो ये देखें, ये ऑन हो चुकी है। तो अब इसको मैं केबल के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो केबल की जो यूएसबी साइड है वो मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर ली है और दूसरी ये देखें, जैसे ही मैं आईफोन के साथ कनेक्ट करूँगा और ये आप लोग मेरे डेस्कटॉप के अंदर देख सकते हैं, ये नेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है इंटरनेट एक्सेस। तो केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको किसी सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई की ऑप्शन नहीं है या वाईफाई कार्ड नहीं है तो आप लोग केबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई है या लैपटॉप के पास है, आपके पास केबल नहीं है, आप वाईफाई के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी केबल को जो है वो रिमूव कर देता हूँ और वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं वाईफाई पासवर्ड। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ से अपना वाईफाई पासवर्ड जो है वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हो 2123 है तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आपने इसके अंदर जो है 8 डिजिट जो है वो टाइप करने हैं। तो उसके बाद जो है मैं इसको डन कर देता हूँ और ये देखें हॉटस्पॉट जो है वो तो ऑलरेडी ऑन है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर वाईफाई को जो है वो ओपन करके उसको सर्च करना है। तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है हसन तैमूर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे ऑप्शन आ रही है कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो अगर इसको मैं चेक रहने दूंगा तो मैं जैसे ही, तो ये आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मैं आपको बता रहा था, अगर आप इसको कनेक्ट रहने देंगे, चेक रहने देंगे तो जैसे ही आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऑन चेक कर देंगे तो आपको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अलो कर देता हूँ, यस। और अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्ट हो जाएगा और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है अभी कनेक्ट हो चुका है, नहीं देखें। और अब मैं जैसे ही मोबाइल के अंदर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखें, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये देखें अभी जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये देखें अभी दोबारा कनेक्टिंग दिखा रहा है और ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मुझे फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।